हिंद किसान मजदूर समिति की तरफ से कार्यक्रम था, किसान थे मजदूर थे। पहले पिछले वर्ष यहाँ कार्यक्रम हुआ था सीए के उसमें समर्थन में, तो उस समय एक बात आई थी कि जम्मू कश्मीर में बाबा साहब की कोई मूर्ति नहीं है, तो उस मूर्ति को वहाँ पर स्थापना करवाने का भी कार्यक्रम था और किसान मजदूर थे। तो किसानों की आजकल जो आंदोलन चला उसके बारे में अपनी बात रखने का कहीं ना कहीं मौका मुझे किसानों के बीच में मिला। मंदिर जी, जो आज ये रैली की गई, कहीं ना कहीं क्या सरकार को सपोर्ट करने के लिए है किसान मजदूर? देखिए, मैं सांसद हूँ यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हूँ। अगर केंद्र सरकार का कोई फैसला है तो उसका हिस्सा हूँ मैं। उस पर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है उसके संबंध में अपनी बात कही है, जो एक किसान के बीच में घोड़े किसान में भ्रम फैलाया जाता है कि आपकी जमीन ले लेंगे। आज़ादी के 73 साल हो गए, किसान की और समस्याएं हैं, उन पर बात कीजिए, भ्रम मत फैलाइए। ऐसा कम से कम मोदी जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं कि किसान की जमीन को छीन सके। कश्मीर आप भी जाएंगे? निश्चित रूप से मैं भी जाऊंगा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे फ्रंट की हिस्सेदारी होगी बाबा साहब की मूर्ति की वहाँ स्थापना में। मैसेज क्या देना चाहेंगे अम्बेडकर जी को? मैं यही देना चाहूंगा, आप याद कीजिए, अम्बेडकर जी 370 के खिलाफ थे, जो कश्मीर में जो संविधान का पालन नहीं करता उसके खिलाफ थे। मोदी जी ने कहीं ना कहीं 370 हटा के बाबा साहब के सपने को साकार किया है। एक संविधान के निर्माता है, उनकी एक प्रतिमा का महान अवरण हो और मुजफ्फरनगर के सभी भाइयों को इसमें हिस्सेदारी हो, सबके लिए गौरव की बात। किसान नेताओं ने आज ट्रैक्टर मार्च भी निकाला है, उसके बारे में बताइए, 26 जिलों में निकाला है। मैं उसके बारे में तो वही बता सकते हैं, मैंने तो मंच से माध्यम से कहा है कि राजनीतिक दलों को भी इससे हटा दीजिए, किसान और सरकार आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो हल निकलेगा। आप चौधरी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, कोई बात होगी तो उन्हें अधिकार है, उनकी दी हुई ओर से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, संजीव बालियान सांसद हैं, वे जब चाहे संजीव बालियान से मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, चाहे तो प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। नया समीकरण बनने वाला है कोई? नहीं, मैं अभी समीकरणों की बात नहीं कर रहा कहीं से भी। मेरे तो अभी फोकस यही है कि किसान आंदोलन समाप्त हो, सभी किसान भाई कुछ अच्छा लेकर सरकार की तरफ से पॉजिटिव सोच के साथ अपने घर वापस। किसान आंदोलन की आड़ में बहुत सी पार्टी राजनीति कर रही है, पंचायतें कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? गिद्ध हैं, मौका नहीं था, नोचने के लिए आए हैं, लेकिन जनता समझदार है। किसानों किसान आंदोलन कर रहे किसानों के सरकार के बीच की बात है, उनकी बनाई सरकार है, हम बातचीत करके आपस में मामला निपटा लेंगे।